मैं सुरेश राठी, राज्य प्रधान आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सदस्य सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज आपका जो सवाल है, बिजली विधेयक 2022 केंद्र सरकार जिसको प्रस्तुत करना चाहती है, उसको रुकवाने के लिए पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर, छात्र, नौजवान इस बात को समझे हुए है कि पावर बिल 2022 प्रस्तुत होने के बाद जो बिजली की स्थिति बनेगी ये कॉरपोरेट घरानों के चली जाएगी। आज तक जो इसका सिस्टम है, बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन है वो केवल उत्पादन तक सीमित है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, वितरण का जो काम है वो आज भी सरकारी कंपनियां करते हुए उसको आगे बढ़ा रही हैं और जनता को आज भी कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। पूर्ण रूप से जो सुविधाएं मिलती थी बिजली बोर्ड के टाइम पे, उनमें कुछ कटौतियाँ हुई हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी सुविधाएँ, जैसे किसान को बहुत सस्ते रेट में बिजली हम उपलब्ध कराते हैं, केवल 10 पैसे यूनिट और 15 रुपये आस पावर के हिसाब से फ्लैट रेट में किसान को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने में आज भी सरकारी कंपनियां उसको उपलब्ध करवा रही हैं। लेकिन जिस दिन पावर बिल 2020 आ जाएगा, उस दिन जो सस्ती बिजली है, सब्सिडाइज जो बिजली है, कम रेट पे गरीब को, किसान को जो सप्लाई करने का काम करते हैं, आज भी इसमें सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ये पावर बिल 2020 आया, 22 आया, तो 22 के पावर बिल होने के बाद पूर्ण रूप से बिजली प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएगी, वितरण उनके हाथ में चला जाएगा, मीटर स्मार्ट मीटर के रूप में मीटर लग जाएंगे। स्मार्ट मीटर का मतलब ये है कि आज जो मीटर काम कर रहे हैं उनमें हम 2 महीने बाद बिजली का बिल पे करने जाते हैं, जब डिपार्टमेंट हमारे को बना के दे देता है। पावर बिल 2022 आने के बाद स्मार्ट मीटर आ जाएंगे, जैसे आज मोबाइल का कनेक्शन है, मोबाइल में जितने पैसे डालोगे उतनी आप बात कर पाओगे, उसी तरीके से बिजली के मीटर में जितने पैसे डालोगे उतनी बात कर पाओगे। सब्सिडी हर प्रकार की खत्म हो जाएंगी, किसान की सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी, गरीब के लिए जो कनेक्शन की सुविधा और उसको जो सब्सिडियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और बिजली के रेट आज जो 4 रुपये से शुरू होकर 7 रुपये तक जाते हैं वो भी पूर्ण रूप से जो सब्सिडाइज रेट है वो खत्म हो गए। लगभग ये कह सकते हैं 1-2 साल तो सस्ती और बराबर रेट में दे सकते हैं, आने वाले टाइम में बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, गरीब आदमी की जो कैपेसिटी है उससे बाहर ये बिजली हो जाएगी। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा तहस नहस किया जा रहा है, परिवहन का ढांचा तहस नहस किया जा रहा है, बिजली जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को भी पावर बिल 2022 के हिसाब से ये तहस नहस करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर लेना ले जाना चाहते हैं। पूंजीपति घराने, जो किसान मज़दूर ने एक टाइम में बताया था अडानी अंबानी के हवाले, इसको करना चाहते हैं। अगर उनके पास गई तो फिर बिजली हमारे काबू से, हमारे सामर्थ्य से बाहर हो जाएगी और बिजली कनेक्शन लोगों के कट जाएंगे। 2022 के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पूरे देश का बिजली कर्मचारी, पूरे देश का इंजीनियर, इस पे हमने 8 अगस्त को पूरे देश में प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से हम इस पावर बिल 2022 को रुकवा पाए और ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया है। लेकिन खतरा इस बात का है कि आने वाले टाइम में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें 25 सदस्यों में से 17 सदस्य आज भी बीजेपी के सांसद उसमें नियुक्त किए हैं, और आने वाले टाइम में भी हम इसका विरोध करेंगे। इसके लिए पूरे देश का बिजली कर्मचारी हरियाणा में की राजधानी चंडीगढ़ में आने वाली 13 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक पूरे देश के बिजली कर्मचारियों की एक पंचायत, पूरे देश के बिजली कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ सम्मेलन हम करेंगे, और उसमें पावर बिल 2022 की चर्चा करेंगे और पावर बिल 2022 के खिलाफ हम एक मुहिम चलाएंगे, जिसका आयोजन पूरे देश के बिजली कर्मचारी करेंगे। उसके आयोजक जो हैं, आयोजन की जिम्मेवारी आल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की है, हम उनका रहने ठहरने का इंतजाम करेंगे, खाने पीने का इंतजाम करेंगे, और आंदोलन को जो नई दिशा मिलेगी उसके अनुसार पूरे देश में बिजली कर्मचारियों का 14 तारीख और 15 तारीख के बाद 15 अक्टूबर को हम इस पावर बिल 2022 के खिलाफ आंदोलन की घोषणा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, एक एक जनता के बीच में जाते हुए एक गांव में जाके हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जनता को समझाएंगे और जनता को अपने साथ लगाते हुए इस बिल को रुकवाने का काम करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो ये सम्मेलन है, इसके आयोजन के बाद हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे।